सब बेस्ट। कैसे हैं आप लोग? फिर से नए स्टॉक्स के साथ आपका भाई आ गया है। अब की बार जो है आपका भाई राधे कृष्ण ऑटोमोबाइल्स में। एक बार आपको हम कैमरामैन के बोलेंगे मेरा बोर्ड दिखा देने के लिए राधे कृष्ण ऑटोमोबाइल्स का। और यहाँ पे आपको मुलाकात करना होगा किसके साथ? तन्मयरा के साथ। और स्टॉक्स जो है आपको इस बार हम इनफील्ड का नहीं लगा हुआ, आपको एक जावा दिखाएंगे जो लिमिटेड एडिशन गाड़ी है, जो आपका सैंडस्टॉर्म कलर में आने वाला है, वो भी दिखाएंगे। और आपको साथ साथ देख लीजिए गाड़ी, आपको RS जो मेरा चैनल में आपको हमेशा मिलता ही है वो भी आपको दिखाएंगे। एक एरोक्स भी आया बाजार आपके पास ना, एरोक्स भी आपको दिखाएंगे। और बहुत सारा आपको जावा पेरक भी दिखाएंगे। गाड़ी मतलब बहुत सारा, बोलने का बात नहीं, बस आप देखिएगा, पसंद आएगा आप फटाफट आ जाइए। कहाँ? राधे कृष्ण ऑटोमोबाइल्स में। एड्रेस वड्रेस जो है हम लोग दादा के साथ मुलाकात करके सारा डिटेल्स ले लेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा और ऐसे ही आपके भाई के साथ विश्वास बनाए रखिएगा कि भाई आपके पास जहाँ भी जाएगा वीडियो बनाने के लिए बहुत ही जेन्युइन होगा। चलिए मुलाकात करते किसके साथ? तन्मय के साथ। मदा नमस्कार सर। थैंक यू। कैसे हैं सर? आप चल रहे? कहाँ गायब हो जा रहे बीच बीच में? आगे भी मतलब चले, एक भाई आ गए थे, अभी आप आ गए। लास्ट एक दो हफ्ता पहले मेरा भैया ही आपका यहाँ पे शूट किया था, ठीक है। अभी उस टाइम में थोड़ा सा स्टॉक कम था, अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एकदम भर गया। अभी भर गया, अभी बहुत सारा स्टॉक है, आप दिखाएंगे एक एक बात, ठीक है। तो सर आपके पास अगर आना होगा किसी को तो कैसे आएंगे? पुराना जो कस्टमर है उनको तो पता ही है, और नया जो कस्टमर या सब्सक्राइबर आपका जो भी बोलते तो वो आएंगे तो आपका एकदम शाम बाजार आरजी कर हॉस्पिटल के सामने आ जाइएगा, वहाँ पे आके मेरा तो नंबर दिया हुआ रहेगा, कॉल कर लीजिएगा अगर प्रॉब्लम होगा तो। और एड्रेस है आपका नीलमणि मित्रा रोड, एकदम आरजी कर हॉस्पिटल के एकदम अपोजिट बैक साइड में ही है ये वाला, एक बार कॉल कर लीजिएगा इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। तो चलिए, रनिंग रास्ता है, थोड़ा असुविधा होगा लेकिन हम लोग उसमें भी काम कर लेंगे। तो दादा एड्रेस वेड्रेस बता दें, लोन EMI फैसिलिटीज नाम का? लोन EMI फैसिलिटी नॉर्मल होता ही है यहाँ पे, थोड़ा सा कोलकाता रीजन में आइएगा तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इन लोगों का तो एक तो प्रोटोकॉल है पार्क स्ट्रीट से 70 किलोमीटर के आसपास में ही लोग लोन प्रोवाइड करता है, और नेम ट्रांसफर से लेके A to Z ऑथोराइजेशन नोटरी सब कुछ यहाँ से ही हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा सब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट किया जाए? यहाँ से ना, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, पहले से धमाका से स्टार्ट। वही बोल रहा, वो गाड़ी हमको दिखाने का बहुत मन कर रहा है आपका जावा। कलर देखिए सर, ये कलर तो लग रहा है कि स्पेशल कलर है, एकदम एकदम स्पेशल कलर है ये वाला। ये एक्चुअल में वेस्ट बंगाल में बहुत ही कम लॉन्च हुआ है, ये पूरा आर्मी मतलब जैसा डेजर्स्टोन मॉडल होता है रॉयल एनफील्ड का, ये आर्मी का ट्रिब्यूट है ये वाला कलर। ये है आपका जावा लेजेंड। अच्छा, 1971 से 2021 तक? एग्जैक्टली। और ये आपका पूरा आपका 12 महीने का बाइक है, ठीक है, फर्स्ट ओनर बाइक है, और आपका ये 3300 किलोमीटर चला हुआ है अलॉय व्हील के साथ। ये एक्चुअल में लेजेंड मॉडल में आपका स्पोकरिंग होता है, लेकिन कस्टमर को अलॉय व्हील चाहिए था, इसीलिए पूरा 12000 रुपए खर्च करके पूरा दोनों ही टायर चेंज किया है, ऊपर से आपका लेग गार्ड साम गार्ड ये सब तो अलग से परचेस किया है। डबल साइलेंसर के साथ? डबल साइलेंसर है, A to Z जीरो केस। मेरा मेरा तो पहले से जो आप लोगों का सब्सक्राइबर है ये पता ही है, मेरा 90% गाड़ी में आपको जीरो केसी मिलेगा, ठीक है, लेकिन नेम ट्रांसफर तो मेरा मैंडेटेड ही है एकदम। तो इसका रेट क्या होने वाला है? इसका रेट है आपका 1,68,500। 1,68,500। कलर एकदम, एक भी स्क्रैच नहीं है, एक भी सिंगल स्क्रैच नहीं मिलेगा एकदम। कस्टमर बहुत अच्छा से रखा भी था, ज्यादा चला भी नहीं है, उनके वाइफ के नाम में लिया हुआ है। ओके, ठीक है, देख लीजिए 1,68,500 पूरा जस्ट आपका लास्ट 35 या 40 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली चला हुआ है लास्ट सर्विस के बाद। ओके, ठीक है। तो उसके बाद बगल में रेड कलर का देख पा रहे जावा 42, ये 42.1 है, ये आपका 2021 का एकदम एंड का है, ठीक है। और आपका इसका प्राइस है मेरा, ये आपका लगभग 10,000 के आसपास चला हुआ है, और इसका प्राइस है आपका 1,48,500। चलिए, लास्ट एक वीडियो में हम कमेंट्स में देख रहे थे कोई आपका प्रोटेस्ट किया है 500 नहीं बोलने के लिए, चलिए आप 500 नहीं बोलेंगे, प्रोटेस्ट किया 168 148 आप प्रोटेस्ट किया है 500 बोल के, अच्छा नहीं लग रहा है उनको, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा उनका, चलिए नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो देख लीजिए आप लोग प्रोटेस्ट करते, देखिए हमारे डीलर जो है एकदम बहुत सीरियस मैटर में। ये 500 मेरा लकी नंबर है, इसीलिए सब बाइक में बोला जाता है, लेता तो नहीं हूँ 500 और कोई कस्टमर देता भी नहीं है, लेकिन बोलता हूँ आज से नहीं 11 साल से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 500 लगता है वीडियो में आने वाला नहीं है 500, तो 1,68,000 में 1,48,48 में। तो दादा हम लोग आते हैं यहाँ, स्टार्ट करते हैं MT-15 के साथ, जो MT-15 अभी डिमांड है, अभी तो उसका बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। ये आपका MT-15 2.0 मॉडल है, ठीक है, और पूरा बाइक तो आपके सामने ही पूरा स्क्रैचलेस बॉडी है, 4000 किलोमीटर चला हुआ है, ठीक है, पूरा 11 महीने का बाइक है ये वाला, ये वर्जन 2 है क्या? हाँ, ये उल्टा शॉकर है, तो हाँ ये 2.0 है, ठीक है, ये कैश परचेस्ड है, और आपका इसका प्राइस है मेरा 1,52,000 1,52,000 में एग्जैक्ट। देख लीजिए वर्जन 2 है ये,
इसमें क्या ड्यूअल चैनल आता है क्या? नहीं, ये वाला नहीं, एकदम लेटेस्ट मॉडल में ड्यूअल चैनल। अभी तो ये सिंगल चैनल लेवी इसके साथ ही आ रहा है। हां हां, और आपके पास तो हिमालय ना हो तो ऐसा कोई बात हाँ, ही नहीं है। वो तो मेरा थोड़ा सा अगले बार से देख, ब्लैक कलर का था वो, हट गया, चला गया। नहीं, लास्ट वीडियो में मैं आपको रॉगरेट का ही दिखाया हाँ। था ये वाला मॉडल का, लेकिन वो 2021 का मॉडल। अच्छा, ठीक है। और ये आपका 2020 का अगस्त का बाइक है, 14,000 किलोमीटर ड्रिवन फर्स्ट ओनर बाइक है। इसका प्राइस है मेरा 1,58,000। 1,58,000 ये आपका एकदम 2019 का डिसम्बर मॉडल है, ठीक है। ये भी डुअल चैनल एबीएस में ही है, ठीक है। आपका बीएस 4 वेरिएंट है, इसका प्राइस है आपका 71,500। यहाँ पे दो गाड़ी और है पल्सर, ये भी वाला हो गया है। अच्छा, ये हो गया, बुक हो गया, दादा ले लिया। बगल वाला देख लीजिए, चलिए ये तो 220 है। हाँ, ये भी 220 है एफ। हाँ, ये आपका 2020 का मिडिल का है, ठीक है। ये बी एस 6 वेरिएंट है, डुअल चैनल एबीएस, और आपका इसका प्राइस है मेरा 87,000। हाँ, देख लीजिए 87,000 में 220। स्क्रैचलेस है बाइक, थोड़ा सा बारिश वाली सीजन के लिए, इसीलिए थोड़ा सा अभी तो बारिश हाँ। होते होते रुक गया, मौसम अभी फिर गर्म हो जाएगा। अब गर्मी ज्यादा होगा तो फिर प्राइस भी थोड़ा गिरेगा, दादा के साथ बात करके। हाँ, आइएगा ना, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कुछ अगर गुंजाइश करना होगा तो ऑनटेबल ही, ओवर द फोन कुछ होता नहीं है। एरोक्स, हाँ, ये आपका सिर्फ 2 महीने का है। 2 महीना? हाँ, okay. सिर्फ 2 महीने का कैश परचेस्ट है, बेलतला रजिस्ट्रेशन मतलब सॉल्ट लेक है, ठीक है। और आपका इसका प्राइस है मेरा 1,43,000। 1,43,000 में 2,000 किलोमीटर सिर्फ चला हुआ है, कैश परचेस बाइक। देख लीजिए इसका लगभग 1,80,000-82,000 का दाम भी है। हाँ हाँ, ये एकदम ब्रांड न्यू मॉडल है, इसका एक EB2 मॉडल आता है वो वाला है। ओके, इसमें एबीएस के साथ आ जा रहा है, स्कूटी में भी एबीएस, गाड़ी चलाने का मजा है। इसमें तो बाइक का इंजन लगा हुआ है, R15 वर्जन 3 का इंजन लगा हुआ है। तो देख लीजिए, एक ही मैक्सी स्कूटी अभी तक इंडिया में अभी चल रहा है, एकदम एक ही मैक्सी स्कूटी है। आते हैं दादा, 125 है ये, पूरा एक साल का 12 महीने का बाइक है, ठीक है। ये आपका वही 15,000 के आसपास चला हुआ है, ठीक है। ये एकदम टॉप मॉडल है, इंजन का कान आपका, सॉरी इंजन का आपका गार्ड, टैंकी का कान, स्प्लिट सीट, ठीक है। थोड़ा एज पर्सन का बाइक है, और इसका प्राइस है मेरा 72,000। गाड़ी का कंडीशन एज इट इज ब्रांड न्यू है, एकदम नया ही लग रहा है, एकदम नया कंडीशन का, और एकदम न्यू मॉडल का भी बाइक है ये वाला, तो 72,000 में। हाँ, इसके बाद FZS वर्जन 3, ये आपका BS4 वेरिएंट है, 2020 का मॉडल का है, ABS सिंगल चैनल ABS में आता है। इसका प्राइस है मेरा 73,500। 73,500 ज्यादा आया था बीच में। तो 73,000 में ये आपका 2020 का गाड़ी, देख लीजिए सिंगल चैनल ABS के साथ। उसके बाद स्प्लेंडर प्लस, ये तो तेल, ये तो बाइक का राजा है तेल में, ठीक है। ये आपका 2022 का मिडिल का है, ये अप्रैल मई का गाड़ी है, ठीक है। ये भी कैश परचेस ही है, और इसका प्राइस है मेरा 64,000। इसका तो रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जो वाला बाइक माइलेज ज्यादा देता है उसका रीसेल वैल्यू हमेशा हाई रहा। और ये गाड़ी छोड़ दीजिए तो आपका ये भी एकदम फाइन एज इट इज ब्रांड न्यू गाड़ी है, ठीक है। और आपका ये चला हुआ है लगभग वही आपका 10,000 के आसपास, ठीक है। इसका प्राइस है मेरा 68,000 में आप दे दीजिएगा रेस एडिशन। रेस एडिशन उसके बाद 164B। हाँ, ये आपका 2020 का मिडिल का है, एलईडी मॉडल है क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, ये आपका ये सिर्फ ये वाला इसके लेटेस्ट और एक तो मॉडल, वो तो बीच में ऐसे करके आया, बीच में ऐसा आया, ठीक है। और ये आपका 2020 का मिडिल का BS6 है विद ABS, इसका प्राइस है मेरा 80,000। आसिंग प्राइस है 80,000, 80,000 रुपए में। 80,000 रुपए में देख लीजिए ABS के साथ सिंगल चैनल ABS के साथ। हाँ, और Apache 160 4B। ये तो लगता है 21 का मॉडल एकदम। ये भी मेरा फेवरेट मॉडल है, मेरा बाइक भी यही सेम कलर ही है। इसका थोड़ा कलर थोड़ा अच्छा, हाँ, ग्राफिक्स भी थोड़ा चेंज, कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छा है। तो ये आपका 2021 का मिडिल का है, ठीक है। वही 7,000-8,000 किलोमीटर के आसपास चला हुआ है, डुअल चैनल ABS में आता है। इसका प्राइस है मेरा 94,000 पूरा। पूरा 94, बार बार 500 आ जा रहा है, 94। जरा
अच्छा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आप प्लीज एक बार फिर से कमेंट करिएगा, दादा बहुत कोशिश से 500 रुपया गिरा गिरा के बोल रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, थैंक यू लिखिएगा इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये 94,000 में, 94,000 उसके बाद 150 स्प्लिट सीट के साथ। ये आपका ट्विन डिस्क मॉडल है, ठीक है, ये आपका 2019 का मॉडल है, ठीक है, और इसका प्राइस है मेरा 58,000। 2019 का मॉडल है, 2019 का 58,000 मॉडल ट्विन डिस्क के साथ। हाँ, ट्विन डिस्क का थोड़ा अच्छा भी डिमांड भी है, बहुत ज्यादा डिमांड है, 58,000 में आप दे दीजिएगा। उसके बाद कोई कोई आपका ड्रम पसंद करते हैं, कोई कोई डिस्क पसंद करता है, जो डिस्क पसंद करते हैं उनके लिए सही है, डिस्क अच्छा है, ड्रम्स अच्छा, हमको डिस्क लगता है, वही वही चीज। V3 ये 2019 का मॉडल है, ठीक है, इसका प्राइस है आपका 64,000 में 2019 का मिडिल का है, मिडिल का, हाँ नहीं मिडिल का भी नहीं है ये, लगभग आपका पकड़ चले सितंबर अक्टूबर का, सितंबर अक्टूबर का आप ये देखिए 64,000 में। उसके बाद वर्जन 2, ये वर्जन 2 ये तो हमेशा से सब सबका चाहिदा है, ठीक है, ये एक्चुअल में वर्जन 3 से बहुत अच्छा हो, ठीक, इसका प्राइस है मेरा 57,000, ये 2019 ही मॉडल है, 2019 का ही मॉडल है, 57,000 में देखिएगा। अब तो इसके बारे में बोलना क्या काफी है, ये तो क्या पता कैसे इसका हीरा हो गया, ये तो मतलब अभी क्या हो गया मेरे को भी पता नहीं है कस्टमर में, लेकिन अच्छा है, ठीक है, इसका ये कलर भी इसका सर बहुत, लेकिन मिडिल में जैसा आपका सोचिए 17, 18, 19, 20 ये टाइम तक ये वाला गाड़ी का रीसेल बहुत खराब, कोई पूछता ही नहीं था, कोई पूछता नहीं था, लेकिन एक्चुअल में बहुत हाई पिकअप बाइक है और लुक्स वाइज बहुत अच्छा है। 20, 21, 22 में तो 21, 22 से तो इसको ये 21, 22 से इसका स्टार्टिंग चल रहा है। डीलर का बहुत बड़ा खामी है, डीलर ही किया जान मुझके, उसको हम पकड़ेंगे, जो डिमांड बड़ा है वो और कोई बाइक का नहीं बड़ा, उसका रॉयल एनफील्ड का डिमांड डेंजर हो गया, मिडिल में रॉयल एनफील्ड का भी डिमांड बहुत खराब हो गया था रिबॉन्ड निकलने के टाइम, लेकिन उसके बाद रिबॉन्ड के बाद ये वाला गाड़ी या दोनों गाड़ी का डिमांड बहुत हाई हो। ABS के साथ ये विद ABS बाइक है, 2015 का मिडिल का बाइक है, ठीक है, मैं जानता हूँ ज्यादातर कस्टमर, बहुत सारा कस्टमर इसके लिए बहुत सारा इंक्वायरी करेगा, लेकिन मेरे को भी पता नहीं कितना देर रहेगा। इसका प्राइस है आपका 69,000 मेरा आरएस का दाम कोई भी डीलर से हमेशा डिफरेंस रहता है, डिफरेंस है, लेकिन कंडीशन भी गाड़ी का देखिए एक बार, कंडीशन को डिपेंड करता है, 15 का भी गाड़ी मिलता है, देखिएगा इधर टूटा उधर टूटा सामने टूटा, ABS नहीं है, ABS नहीं होता, लेकिन इसमें ABS के साथ मिल जाएगा आपको 69,000। एक और आपका रेस एडिशन, रेस एडिशन है, ये आपका 2020 का मिडिल का है, ठीक है, ये BS4 वेरिएंट है, इसका प्राइस है आपका 63,000 में रेस एडिशन ये दे दीजिएगा। ये है आपका होंडा डियो है, ठीक है, ये BS4 मॉडल है, 2019 का मिडिल का है, ठीक है, ये भी एकदम पूरा फ्रेश स्कूटी है, इसका प्राइस है मेरा 48,000 देख लीजिए, DX मॉडल, सामने LED जलता है, नीचे भी LED है, नीचे भी LED, ओके, हाँ नीचे भी LED है, तो ये आप दे दीजिएगा 48,000 दादा, ये तो बहुत सुंदर कलर है, हाँ जुपिटर है, ये वाला कलर सबसे चाहिदा कलर होता है, बहुत ही अच्छा कलर है ये जुपिटर का, ये आपका ड्राम मॉडल है, ये भी 2019 वेरिएंट है, इसका प्राइस है मेरा 46,000 2019 का जुपिटर, अगले बार आया था R15 नहीं था, इस बार R15 नहीं था, MT नहीं था, हिमालयन नहीं था, एरोक्स नहीं था, वो टॉप मॉडल वाला वो गाड़ी नहीं था, जावा का वो वाला नहीं था, हमको सब याद रहता है, लास्ट वीडियो में आपको वो वाला जावा और वो वाला रिबॉन था, तो ये R15 ये आपका वर्जन 3 और आपका ये 2020 का मिडिल का BS6 वेरिएंट है विद डुअल चैनल ABS, बाइक एग्जैक्टली आपका वही 7000 किलोमीटर के आसपास ड्रिवन है, ठीक है, और इसका प्राइस है मेरा आपका 1,25,500 हाँ, बाइक का कंडीशन बहुत ही इमैकुलेट है, ये एकदम न्यू शेप में आता है, आपका चक्का आपका इसका ब्लू होता है, ठीक है, और तो 1,25,000 बाइक भी बहुत बहुत अच्छा है, मतलब एक यामा का बाइक वही 7-8,000 किलोमीटर चला हुआ रहेगा तो मतलब उसका फाइनेस्ट कंडीशन में वो अभी फिलहाल गाड़ी है। सामने ये अलग से लगाया हुआ व्हाइट वाला, ये जस्ट स्टिकरिंग कुछ किया है कस्टमर, हम लोग उखाड़ते नहीं है, कोई कस्टमर बोलता है तो हम लोग उखाड़ देते हैं, ये 1,25,000। चलिए आ जाते हैं एनफील्ड के कलेक्शन में, थोड़ा एनफील्ड इनफील्ड है लाइन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं एक जवा है, हंटर निकल गया दादा, क्या दादा हंटर था, एक हंटर सब सेल हो गया, सेल हो गया, दो तो हंटर थे, एक तो ब्लैक एक तो व्हाइट कलर का था, वो नॉर्मल बिक्री, तो ये दादा 500 है, ये 500 मॉडल है, 2017 वेरिएंट है, 2017 का, ये आपका BS3 वेरिएंट है, इसका प्राइस है मेरा 1,06,000 1,06,500 ले जाइए, इसको बोलते लेगुन कलर, ब्लू लगुन, ब्लू लगुन, हाँ
ब्लू लगून आता भी है वो पीने के लिए भी में आता है। में। और ये आपका थोड़ा बाहर का रजिस्ट्रेशन है, माथाभांगा रजिस्ट्रेशन है। माथाभांगा का नाम है क्या ये? कोई आपका वेस्ट बंगाल में कोई जगह है? ठीक है। और आपका ये एक्चुअल में कस्टमर हम लोग का बगल में ही रहता है। अच्छा। ठीक है, तो फर्स्ट ओनर का इसीलिए हम लोग बाहर का रजिस्ट्रेशन लेते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट ओनर नहीं रहेगा तो कोई ओनर भी आपका जान पहचान का तो नाम भी हो जाएगा। अदरवाइज हम लोगों का कोई बाहर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रहेगा नहीं, कोलकाता कोलकाता सराउंडिंग ही रहेगा। ओके, ठीक है। और इसका प्राइस है, ये आपका 2000 आपका 19 मॉडल है। ठीक है, इसका प्राइस है मेरा 1,38,000। 19 का मॉडल, 2019 का। एबीएस आ रहा क्या दादा? नहीं, ये नॉन एबीएस, नॉन एबीएस गाड़ी है ना। 1,38,000 में गनमेटल ग्रे कलर है। गनमेटल ग्रे, बगल में एक और गनमेटल ग्रे है। आपका गनमेटल ग्रे है, आपका 2018 का मिडिल का मॉडल है। ठीक है, ये आपका ये भी इमैकुलेट, ये कस्टमर हम लोग का पाड़ा का ही है। ठीक है, जैसा देख रहे हैं आप 08E है, हम लोगों का ही है। ठीक है, और ये गाड़ी का दाम है मेरा 1,33,500। फिर दादा निकल रहा है, हमको घटाना पड़ेगा। 1,33,000 में आप दे दीजिएगा ये गाड़ी, देख लीजिए एक बार बढ़िया से। उसके बाद एक और जीरो दोनों बाइक का सेम ही प्राइस है, दोनों ही 2018 का ही मॉडल है। ठीक है, दोनों ही एकदम इमैकुलेट कंडीशन में। ये सामने में सिर्फ डिश आ रहा था, पीछे में लोग का नहीं, डुअल डिश है। मॉडल का आपका डुअल डिश नहीं आता। ओके, 18 मॉडल में आपको सिर्फ विदाउट एबीएस था, उसके बाद एबीएस, एबीएस में अपग्रेड कर दिया। ये भी वही 133 दोनों का ही प्राइस है। 1,33,000 में आता है 350X। हाँ, नहीं ये 350X नहीं है दादा, ये थंडरबर्ड है। ओ, उसको बनाया लिखा हुआ, आपका मॉड किया हुआ है, हम लोग नहीं किए, कस्टमर ही किया है। सब लोग तो नया गाड़ी का अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको ही सजा है। अलॉय व्हील के संग ना ओरिजिनल एग्जॉस्ट ही लगा हुआ है। कोई कोई आपका पंजाब लगाता है वो अच्छा नहीं है गाड़ी के लिए। और ये आपका थंडरबर्ड, आपका नॉर्मल जो थंडरबर्ड मॉडल होता है 350 वही वाला मॉडल है। और आपका इसका प्राइस है मेरा 1,07,000। 22 का मिडिल का है। ये आपका सिंगल चैनल एबीएस में आता है, सिंगल डिस्क मॉडल है। ठीक है, और ये वाला बाइक लगभग आपका 5000 किलोमीटर के आसपास चला हुआ है, 5000-6000। ठीक है, और एक्सेसरीज में आपको लेग गार्ड लगा हुआ है सिर्फ। ठीक है, इसका प्राइस है मेरा आपका 1,84,000। BS6 के साथ आ जा रहा है, BS6 वेरिएंट। ये कलर देखिए एक बार, पानी से सिर्फ पानी भी हटिया तो पता नहीं चल रहा। ये कलर मतलब कुछ बोलना नहीं, ये वाला बाइक लेके कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, सिर्फ 200 किलोमीटर चला हुआ है, 200 सिर्फ 200 किलोमीटर चला हुआ है। और अभी तक स्टिकर वगैरह भी गाड़ी में लगा हुआ है, वो लास्ट वीडियो में भैया भी आपको बोला था वही वाला चीज। ठीक है, और इसका ओरिजिनल एक्सेसरीज में आपको लुकिंग ग्लास वगैरह कस्टमर के पास ही है। ये वाला लुकिंग ग्लास अच्छा लगता है दिखने में, पीछे का कुछ मिरर में, तो इसीलिए वो वाला लगा हुआ है, वो जो होगा साइड वाला, यहां वाला। हाँ हाँ, साइड मिरर, अगर वो कस्टमर का अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो भी मिल जाएगा, वो भी है मेरे पास ही। ठीक है, और ये आपका 2000, ये आपका पूरा परफेक्ट 11 महीने का बाइक है। ठीक है, 200 किलोमीटर चला हुआ है, इसमें भी फुल एक्सेसरीज लगा हुआ है। और इसका प्राइस है मेरा 1,68,000। दोनों जावा का ही सेम दाम, सेम दाम, उसका भी इसका भी, दोनों ही 11-12 महीने का बाइक है और दोनों का ही सेम दाम। लेकिन मजा तो हो दादा, वो गाड़ी वो कलर में, वो थोड़ा ज्यादा चला हुआ, ये थोड़ा कम चला हुआ, कम चला हुआ है और कुछ। और ये वाला गाड़ी आएगा तो दोनों कलर में कस्टमर का जो अच्छा लगेगा वही, तीन तो कलर है, जो अच्छा लगे लीजिए। ओके, अच्छा जिक्सर, जिक्सर ये आपका 2016 का एकदम लास्ट का है। ठीक है, ये वाला मॉडल थोड़ा सा डिस्कंटिन्यू हो गया, अभी एसएफ का दूसरा मॉडल आ गया, वो थोड़ा उसका सामने का थोड़ा वाइजर छोटा करके चाप करके गया। ये वाला हैंडल भी उसका लेकिन थोड़ा ज्यादा बहुत अच्छा है, एक्चुअल में जिन लोगों को आयरन 5 में कंफर्टेबल नहीं है वो वाला ही वाला गाड़ी में चला। तो जिक्सर, हां इसका ये आपका 16 का लास्ट का मॉडल है और इसका प्राइस है मेरा 47,000। उसके बाद आ जाते फिर से आपका यामाहा का रेजेडा। ये सामने का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा टूटा हुआ है। ठीक है, कोई माइंड मत कीजिएगा, होता है, वो टेढ़ा हो जाता है हवा। ये नंबर प्लेट भी अब होगा तो हाँ, ये हम कर देंगे, बस नंबर प्लेट का ही डिफरेंस है, कुछ नहीं है नॉर्मल। और ये आपका डिस मॉडल है, इसका रामबी मॉडल होता है। ये डिस मॉडल है, इसका प्राइस है मेरा आपका 49,000। ये 19 मॉडल है, सामने में डिस है, नीचे में। हाँ हाँ हाँ, ओके। उसके बाद दाम होता तो ये दाम ये आपको गिर के चला आता है, अप्रोक्सीमेटली 42-43 के आसपास ये वाला दाम चला आता है। आते कलर देखिए, ये आपका मरून कलर का है और ये आपका 2020 का एकदम लास्ट का है। ये बगल में कस्टमर रहता है बेलगछिया में और इसका प्राइस है मेरा 2021 का एकदम लास्ट का। ये ब्लैक कलर होता तो यही वाला कलर गाड़ी का 65,000 का अंदर आ गया।
ये 69,000 69,000। चलिए माइलेज में आते हैं साइन बाबू। हाँ ये तो बोलने का बात नहीं, तो माइलेज का ये होंडा का ये गाड़ी आता है होंडा का, ठीक है, इसीलिए कंपनी इसको तोड़ के नया मॉडल बनाया है, लेकिन ये मॉडल भी अभी कंटिन्यू है। हाँ। ठीक है, ये आपका 2018 का वेरिएंट है। हाँ। ठीक है, वीएस स्पोर्ट वेरिएंट है और इसका प्राइस है मेरा लगभग वही आपका 22,000 के आसपास चला हुआ है और आपका इसका प्राइस है मेरा आपका 48,000। एसपी साइन 2018 का गाड़ी, 2018 का। दादा व्हाइट कलर में स्कूटी तो चमचम हो रहा है एकदम। हाँ वाओ, ये थोड़ा सा व्हाइट कलर है, मैं कोई कस्टमर को कभी भी झूठ नहीं बोलता दादा, अभी भी नहीं बोलूंगा। व्हाइट कलर का गाड़ी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल रहता है, ये थोड़ा सा आपका टचअप किया हुआ गाड़ी, टचअप थोड़ा किया हुआ, देखिए जो रहता है दादा मेरा ओपन टू वर्ल्ड रहता है। आपका कस्टमर, कोई कस्टमर मालदा से आएगा उसको हम बोलेंगे कि हाँ दादा बहुत अच्छा है ये, वो आके देखेगा कि कलर किया हुआ है, खराब हो जाएगा, रिलेशन खराब नहीं करना, जो होगा ओपन। स्कूटी में विदाउट गार्ड गाड़ी रहेगा, गाड़ी में स्क्रैचेस आएगा ही एकदम, ठीक है, डीलर आपको रेडी करके ही आपको बाइक देगा। तो ये वाला मॉडल है आपका 2019 वेरिएंट है, 47,500 प्राइस, 47,000 दाम देख लीजिए, 47,000। दादा यहाँ भी तो गाड़ी बहुत सारा रखा हुआ है, ये सब गाड़ी में हम लोग हैं क्या? हाँ इस गाड़ी में है, गली में है। वो एक्सपल्स भी है क्या? वो एक्सपल्स हो गया है दादा, थोड़ा सा कस्टमर को मतलब घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है एडजस्ट करने में गाड़ी रखने में, अच्छा, तो इसलिए अभी आज के लिए रख के गया है, कल आके वो लेके जाएंगे। चलिए ये सब गाड़ी दिखाते हैं, ये पल्सर 150। हाँ ये भी ट्विन डिक्स है, दोनों ही बगल में दोनों ही है, 2020 का ही मॉडल है दोनों, ठीक है, दोनों ही आपका डुअल एबीएस में आता है, पल्सर 150 ट्विन डिक्स मॉडल, दोनों का ही प्राइस है मेरा 64,000 दोनों का ही, ब्लू मिल जाएगा रेड कलर का। हाँ दोनों ही। एक होंडा का एक्टिवा 6G है क्या? 125 है, ये 2019 वेरिएंट है, थोड़ा गंदा जगह में रखा हुआ है, सॉरी उसके लिए, ठीक है, ये आपका विदाउट डिक्स मॉडल है, ठीक है, और ड्रम मॉडल है, इसका प्राइस है मेरा 47,000। ये भी है क्या दादा? नहीं ये वाला नहीं, भेज देते हैं सबको, सबको भेज देंगे, ठीक है। ये सर एक, ये है आपका ये वाला एक्टिवा और वो वाला वाइट वाला एक्टिवा, ठीक है, दोनों का ही सेम प्राइस है 47,000, ठीक है, सेम ये हाँ, ये एलईडी मॉडल है, एलईडी मॉडल के साथ। उसके बाद स्टनर है, ये आपका इग्नाइटर, इग्नाइटर हाँ, इग्नाइटर, इग्नाइटर है, ये आपका 2015 का मॉडल का मॉडल है और इसका प्राइस है आपका 36,15 का मॉडल, 15 का मॉडल 36,000 में। सीबीजेट एक्सट्रीम कान वाला गाड़ी, हाँ ये आपका 2012 का मॉडल है, ठीक है, और आपका ये भी बहुत हाई मेंटेनेंस में बाइक को रखा है, इसका प्राइस है मेरा 33,000 में। सीबीजेट एक और होंडा का, ये एविएटर होगा, हाँ ये वाला एविएटर है आपका 2018 का मिडिल का, ठीक है, ये भी आपका ड्रम मॉडल है और इसका प्राइस है 44,000 में। दादा पेरक था, हम भूल गया वहाँ पे। हाँ देख लेंगे ना लास्ट में, ये दोनों कर दीजिए। अच्छा ये भी दोनों है? हाँ ये दोनों भी ओके, है। तो ये लास्ट भी वाला मेरा खुद का है, उसको मत दिखाइएगा। ये गाड़ी हाँ, ये आपका 2015 का लास्ट का मॉडल है, ठीक है, FZS वर्जन 2 और इसका प्राइस है मेरा 45,000 का, एकदम लास्ट का मॉडल है, ये भी स्प्लेंडर प्लस है और इसका प्राइस है 60,000 60,000 ये गाड़ी का हमको बहुत प्यार है गाड़ी से, ये गाड़ी तो लुक अभी भी लगता है बहुत सुंदर। अभी भी बहुत सारा लोग होते हैं कि इसको लेके बहुत सजाता है, बहुत सजाता है, बहुत सजाता है, बहुत पंजाब में सबसे ज्यादा इसका गाड़ी बिक्री होता है, सबसे ज्यादा यही मॉडिफाई बहुत ज्यादा करता है, बहुत मॉडिफाई ऑलरेडी, ये गाड़ी देखने से अलग से अलग से प्यार आता है, प्यार आता है, एग्जैक्ट। चलिए बहुत ही अच्छा है और आपको प्यार, आस्ते से चले सर, कैमरा में बोला आस्ते से चलिए, और पीछे घूम रहे हैं ना, तो पेरक है, पेरक भी दिखा देंगे उधर। हाँ। में और भी दो तीन गाड़ी है। हाँ। वो भी गाड़ी दिखा देते, चलिए आपको पेरक दिखाते, आइए तन्मय। लेकिन इस बार कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, गाड़ी चाप चाप के रखा हुआ, अच्छा लगता है। हाँ। देखिए ये ग्लैमर है क्या? कस्टमर आप लोगों का जो वहाँ पे जो कमेंट्स करता है तो बोलता है ये नहीं है वो नहीं है, ये दिखाइए वो दिखाइए, अच्छा इनका जगह में दिखाइए उसका जगह में दिखाइए, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, एक ऐसा जगह होना चाहिए जिसमें सबका सॉल्यूशन हो जाए। ये आपका 2018 वेरिएंट है, ठीक है, कंडीशन तो आपके सामने ही है, पूरा सजा हुआ है, ठीक है, ट्रिप वगैरह करता था कस्टमर, तो इसका प्राइस है आपका 63,000 फेजर, ये आपका 2012 वेरिएंट है, ठीक है, और इसका प्राइस है 37,000 लिए आते हैं पेरक, ये आपका पेरक 2021 का, सीट डबल सीट भी लगा हुआ है। हाँ, इसका सीट का दाम तो लगभग 6-7 हजार, हाँ 7,000 रुपए इसका सीट का दाम होता है, लेकिन ये है कि ये कन्वर्टेबल नहीं है ना दादा,
ये ऐसे करके इसमें जाएगा? नहीं नहीं, इसमें नहीं जाएगा। और इसमें एक तो चीज अच्छा भी है, कोई पिलियन बैठ सकता है और बूढ़ा भी है, लाइट उतना खास दिखता नहीं। इसका मेन अट्रैक्शन इसका सिंगल सीट है, ठीक है। और इसका प्राइस है मेरा 1,44,000। कब का गाड़ी? 2021 का, मिडिल का, 21 का। हाँ, ये सब लॉन्ग रूट में जाने के लिए गाड़ी मस्त है। हाँ हाँ हाँ, देख लीजिए 1,44,000। ये जरा लास्ट गाड़ी था, ये लास्ट गाड़ी है फिलहाल के लिए, लास्ट गाड़ी। और भी बाइक है, सब रेडी नहीं है सब, इसलिए बगमैन है, फेजर है, ठीक है, तो हाईली नहीं है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। जैसा ये वाला ग्लैमर भी आपका कस्टमर अभी आ रहा है लेने के लिए। अच्छा, इसीलिए हम लोग तो दादा गाड़ी तो बहुत सारा दिखा दिया हम लोग, तो एंड के तरफ हम लोग आ गए हैं, तो और कुछ हमारे व्यूवर्स को आप बोलना चाहते हैं सर? हाँ एग्जैक्टली, पहला ही चीज़ तो आप अगर जेन्युइन बाइक के लिए जाइएगा एक बार, सब जगह में जैसा वैरी कर रहे वैसा मेरा यहाँ पे भी एक बार वैरी कर लीजिए। पास में ही है कोलकाता का श्याम बाजार, ठीक है, आरजीगर हॉस्पिटल के एकदम पीछे सरकार बगान। किसी को भी पूछिएगा कहीं कहाँ पे यहाँ पे बाइक सेल होता है, कोई भी दिखा देगा। आने से पहले बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, एक बार कॉल कर लीजिए, कॉल करके आइएगा। आप सबसे अच्छा रहेगा, कोई अगर गाड़ी यहाँ से अगर सेल भी हो जाएगा तब भी आपको पता चल जाएगा, अचानक आ जाने से गाड़ी आपको नहीं पता चलेगा। तो अगर आपको आना है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, दादा के पास आइएगा, पहले कॉल कर लीजिएगा कि ये गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि इतना दूर आप आएंगे बेकार नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। पास में आते तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर का कस्टमर के लिए वाला चीज। और बात बाकी जो जो फैसिलिटी सबके पास है वो यहाँ पे, तो सब कुछ फैसिलिटीज मिल जाएगा आपको तन्मयदा के पास। आइए, अपने सपनों को पूरा करिए और ये गाड़ी लेके जाइए और एक स्पेशल फोटो भेज दीजिएगा, दादा ये गाड़ी से प्यार हो गया आपको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते रहिएगा और मुलाकात करते रहिए दादा के साथ, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं इस वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।